First of all, thanks to our SP sir for taking such a initiative. तो ये SP sir ने फरवरी महीने के पहले भी हम लोग को कहा कि हमें कुछ करना है for the youth of दार्जिलिंग. तो ये आपके लिए है. हम लोग सोचेंगे कि आप लोग इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाएं एवं और भी ज़्यादा बढ़े. सेकंड, मैं थैंक्स देना चाहूँगा हमारे ऑर्गेनाइजर्स लोग को जो ये कर चुके हैं, मेरे पुलिस पर्सनल जिन्होंने हार्ड वर्क करके ये ऑर्गेनाइज किया है, मेरे सब इंस्पेक्टर, मेरे कॉन्स्टेबल्स, मेरे सोशल मीडिया मॉडरिंग स्किल जिन्होंने इस काम को बेहतरीन तरीके से किया है. थर्ड, वोट ऑफ थैंक्स मैं देना चाहूँगा यहाँ के भानुभवन के अथॉरिटीज़ को जिन्होंने ये काम करने सफलता देने में हम लोग को वो किया था, सहयोग किया है. तो सर, इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं एक बात आप लोग एक साथ मेरे साथ बोलिएगा, थ्री वर्ड्स, यस वी कैन, जोर से, और एक बार, थैंक यू वेरी मच. कि एक गूगल ड्राइव या ऐसा कोई पोर्टल पे हम अपना सारा मटेरियल जो बोल रहे हैं, जो फ्रीली अवेलेबल मटेरियल है, जिस पर फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी, तो वो सारा डाउनलोड करके हम उस ड्राइव में डालेंगे एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट अ ग्रुप जहाँ पे उसका लिंक शेयर कर देंगे, जिनको इंटरेस्ट है वहाँ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. बहुत सारी चीजें आजकल ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल होती हैं, जरूरत नहीं है खरीदने का उनको. तो वो सारी चीजें अलग अलग जगह स्कैटर्ड होती हैं, लोगों को पता नहीं होता कहाँ मिलेगा, कैसे पढ़ना होगा, कैसे कलेक्ट करना होगा. वी विल डू दैट फॉर यू. और जो बुक लिस्ट का नाम हम लोगों ने दिया है टेंटेटिव, उस गूगल ड्राइव में इसका भी नाम रहेगा, टॉपिक वाइज. जो आज आप लोगों ने देखा प्रेजेंटेशन में, वो कौन टॉपिक कहाँ से पढ़ना जो आज देखा आप लोगों ने, सेम आपको वहां पे मिल जाएगा. मेरा नाम प्रशांत तामंग है और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करने के लिए. मेरा एक ही क्वेश्चन था कि पहले भी मेरे वन टू वन इस हिसाब से पीओपी पे लेबुंग में है, वहाँ पर सर से कन्वर्सेशन किया था. सर ने भी एक बुक मुझे रिकमेंड किया था, आरएस सर का बुक था, आरएस अग्रवाल का सर का बुक मुझे रिकमेंड किया था. सर लोग ने मुझे इतना वो नहीं था, श्योर नहीं था सर का वो कहने से, आज मुझे वो श्योर हो गया. इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर. ये 3 साल का 12th फेल मूवी किसने किसने देखी है, देखा है ना? उससे बड़ा डीमोटिवेशन किसके पास हो सकता है लाइफ में, बताओ. जो उस मूवी में दिखाया गया है देख के हम खुद दंग रह गए, बाप रे इतना टफ मेरा लाइफ नहीं था कभी. अप्लाई फॉर स्पोर्ट्स सेक्शन में इन बॉक्सिंग, टाइक्वांडो, दे एनीथिंग, आर वी एलिजिबल टू लाइक मेक द स्विच एज वेल आफ्टर बिकमिंग अ कांस्टेबल? जुन चाहिँ तपाईँको त्यो एक्टिभिटिजहरू छ है, जुन चाहिँ स्पोर्ट्सहरू भयो, चाहे फुटबल होस्, चाहे भलिबल, बक्सिङहरू, टाइक्वान्डोहरू है, जति बेला तपाईँहरू ट्रेनिङ गर्दै गरेको हुन्छ त्यति बेला ब्यारकपुरबाट फर्म आउँछ कि तपाईँहरू अब फुटबलमा जस्तै सुब्रत कपहरू, बक्सिङमा स्टेट लेभल अन्त नेसनलहरू खेलेको छ भने तपाईँहरूले फर्म फिलअप गरेर तपाईँलाई फेरि ब्यारकपुर बोलाउँछ. अनि ब्यारकपुरमा तपाईँहरूले ट्रेनिङ गर्दा गर्दै आफ्टर ट्रेनिङ तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट ब्यारकपुरमा बोलाउँछ अनि तपाईँहरू स्टेट नेसनल भयो फेरि पुलिसबाट, वेस्ट बेङ्गल पुलिसबाट तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. किसीको शर्म या घबराहट नहीं होनी चाहिए. इसका लिए सेमिनार किया, छोटा लोग ग्रुप किए हैं ताकि पूछ सके क्वेश्चन आप लोग. बहुत क्वेश्चन मन में होता है लेकिन डर के मारे लोग पूछते हैं. एनी लैंग्वेज यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क इन दैट लैंग्वेज. यही कारण है कि हम लोग छोटा ग्रुप बनाया है यहाँ पे. एंड सी इज अ कांस्टेबल, सी स्टिल क्लेम जिमनास्टिक्स इन नेशनल लेवल, सो यू शुड नॉट बी हेजिटेट टू, आफ्टर बीइंग कांस्टेबल यू कैन पार्टिसिपेट आफ्टर गेटिंग प्रायर परमिशन. ओके, anybody any question? Anybody any question? Please raise your hands. जो भी दिल में है question पूछो. किसे कोई question नहीं है? No question? ठीक है. अच्छा मैं question पूछता हूँ. अच्छा कट ऑफ मार्क्स कितना होता है इसमें नौकरी पाने के लिए? नर्मली यो कन्स्टेबलको एक्जाम हुँदाखेरि तपाईँहरूको प्रिलिम्समा एउटा कटअप हुन्छ र त्यसपछि मेन्समा एउटा कटअप हुन्छ. प्रिलिम्समा तपाईँको अब कतिजनाले 100 मार्क्समा अब नर्मली जेनरलको कटअप हुन्छ तपाईँको एराउन्ड 50 to 55 हुन्छ. 2020 जुन हामीले क्लियर गरेको थियो त्यो बेला जेनरलको कटअप थियो 60 to 65 अनि ओबिसीहरूको थियो 55 to 60 अन्त एससीको थियो 50 to 55. दाढ़ी भी होते थे लेकिन अभी सब प्लेन्स में होते हैं. तो हम लोग क्या है हिल्स का बहुत पूरा डिस्टेंस रहता है तो जाने नहीं सकते हम कितना जन बहुत प्रॉब्लम रहता है. तो उसी लिए मुझे पूछना था लाइक प्लेन्स में की वीजा नहीं रहते. तो दैट डज नॉट स्टैंड. लेकिन अगर 300 कर रहे हैं तो होता है. सो दिस इज माई अर्ज दैट यू शुड कम फॉरवर्ड, फिल अप मोर फॉर्म्स
सो दैट देयर इज अ साइजेबल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हु इज गिविंग द एग्जाम, ठीक है, तो तभी होगा. अदरवाइज हिल्स के लिए वी विल लाइक कम्युनिकेट विद देम कि हिल्स के लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है एंड यू प्लीज फाइंड अ सेंटर ओवर हियर. ओके, थैंक यू. प्लीज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि हम ये इसलिए बोल रहे हैं तो अपने घर में भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे घर में अपने घर में बच्चे उनको यही चीज बोलते हैं, उनको सुनाते हैं और गाली खाते हैं कि भैया मेरे इतना बोलते हैं मेरे को. लेकिन हम ये बता रहे हैं कि चौरस्ता पे आई हैव बीन वॉकिंग अ लॉट, कहीं बैठते हैं चाय पीने के कुछ लॉट ऑफ यूथ बच्चे बगल बैठे रहते हैं, पता नहीं हम कौन है. अगर हम आधे घंटे बैठे हैं सारा टाइम रील्स को स्क्रॉल स्क्रॉल किए जा रहे हैं एंड दे आर जॉइंग लाइक एनी, किसी को लाइक करते रहे, इतना फास्ट फिगर मूव होता है उन लोगों का, कैन नॉट इमेजिन. लाइक करना है, रिट्वीट करना है, जो भी चीज करना होता है, तो प्लीज सेव सम टाइम ऑफ योर्स. और ये सोचना वो दो घंटा के डीमोटिवेट होंगे, दो घंटा पढ़ो. ये सेमिनार हम लोगों ने दार्जिलिंग के यूथ के लिए किया था. दार्जिलिंग में देखा था कि फिजिकल फिटनेस एंड आर्म फोर्सेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एंथुसियाज्म रहता है लोगों के अंदर. तो बंगाल में पुलिस एक अच्छा विंग है जहाँ पे उनको एक मौका अच्छा मिल सकता है, और यहाँ की यूथ को एक गाइडेंस की कमी जैसा लगा था हम लोगों को. तो इस वजह से हम लोगों ने ये प्लान किया कि पहले तो यहाँ के लोगों को बताया जाए बच्चों को कि क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या तैयारी करने की चीज़ें जरूरत पड़ती हैं. तो उन चीज़ों को पहले हम लोगों ने आज के प्रेजेंटेशन में दिखाया. जो हमारे यहाँ जो नए रहे जो यंग कांस्टेबल और यंग सब इंस्पेक्टर जो रिक्रूट होकर आए हैं, उन्होंने जस्ट एग्ज़ाम पास किया है, उन्होंने एग्ज़ाम कैसे पास किया, क्या पढ़ा, कैसे फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखने के लिए क्या क्या करना पड़ा, इन चीज़ों को लेकर के उनके पास हमसे बेटर नॉलेज है. तो इसलिए हम लोगों ने एक कनेक्ट करवाने की कोशिश की कि यंग जितने सारे इंस्पेक्टर एंड जितने हमारे कांस्टेबल हैं, लेडी कांस्टेबल हैं, उन लोगों को यहाँ के यूथ से बात करवाई हम लोगों ने, एंड उसके बाद उनके गाइडेंस का एक बेसिक फाउंडेशन तैयार हो गया है कि कहाँ से क्या पढ़ना है. एंड इसके बाद हम लोग रेगुलरली इन लोगों के साथ टच में रहेंगे. आज हम लोग के पास अराउंड 200 के आसपास बच्चे आए थे. मोर देन 600 पीपल हैव अप्लाइड, लेकिन हम लोग जानबूझकर छोटा ग्रुप रखा क्योंकि छोटा ग्रुप होने से इंटरेक्शन का सुविधा होता है. आज हम लोग के पास जोर बंगलो एंड सदर थाना एरिया के बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था हमारे पास गाइडेंस के लिए, उनको बुलाया था. एंड इसके बाद हम लोग जो बाकी थाना एरिया पे जो लोगों ने अप्लाई किया उनको भी बुला के हम धीरे धीरे इस तरह का गाइडेंस प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. एट द एंड ऑफ दिस गाइडेंस प्रोग्राम हम लोग का प्लान है कि छोटा सा एग्जाम लेंगे एंड उसमें से करीबन 50 बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड फिर उन 50 बच्चों को रेगुलर कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के थ्रू गाइडेंस हम देते रहेंगे. उस कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का पार्ट होगा हम उनको बुक्स प्रोवाइड करना, जितनी सारी बुक्स यूज़ होती हैं प्रिपरेशन के लिए उन सारे बुक्स को प्रोवाइड करना, कुछ कोचिंग जो है मटेरियल जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो पेड सोर्सेज होते हैं रिसोर्सेज होते हैं वो हम लोग उनका सब्सक्रिप्शन खरीद के बच्चों को दे करके ताकि बच्चे वो पढ़ पाए. इसके अलावा कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके टीचर्स को बुला करके डाउट क्लियरिंग सेशन डाउट सॉल्विंग सेशन जो होता है वो करवाएंगे. इसके अलावा हमारे पास जो पुलिस के लोग तो हैं ही जो जिन्होंने एग्जाम पास किया वो उनको गाइड कर सकते हैं डाउट होने पर. लास्टली अगर जो इंटरव्यू का टेप पार्ट होता है वो मॉक टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करेंगे हम. वी वांट टू गिव देम अ होल्डिंग हैंड सो दैट एंड तक वो एक अच्छी जगह पहुंच पाए. और अभी हम लोग 50 बच्चों से चालू करेंगे, अगर सक्सेस मिला हमको इवेंट का तो हम इसको बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे. और सर एक तो अभी ऐसा भी हो रहा है कि सर बच्चा लोग को मतलब मन में क्या हो रहा है, एग्जाम देने के बाद में सर किसी को पैसा देना पड़ेगा 3-4 लाख रुपये, उसके बाद में सर ये भर्ती हो जाएगा, ऐसा भी मतलब र्यूमर हो रहा है सर, इसका क्या है सर? ये र्यूमर एंटायरली गलत है एंड मैंने यहाँ भी सुना है और हमने कुछ केस भी किया है यहाँ पे. एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल पुलिस ने दूसरी नौकरी में धांधली लेकर के करवाएंगे पैसा लेकर के, ऐसा सुना हम लोगों ने, एक्शन भी लिया. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी और जहाँ भी नौकरी रही है कहीं कहीं सुनने में आता है ऐसा, एंड वी टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द पीपल. मैं सब लोग यही बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई सॉल्यूशन ऐसा कोई तरीका अवेलेबल नहीं है. आप लोग मेहनत की बदौलत ही इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं एंड मेहनत को सपोर्ट करने के लिए हम लोग आपके साथ हैं. सर ये भर्ती को लेकर अभी तो ज़्यादातर तो शिवगढ़ी में ये खगड़े में होता है भर्ती, पहाड़ में पहले होता था मगर यहाँ पे टोटली बंद कर दिया अभी, तो इसको फिर वापस ले सकते हैं सर कुछ? इस भर्ती को लेकर के ये मेरा डिसीजन नहीं होगा, बट जो कंसर्न अथॉरिटी हैं उनको हम कम्युनिकेट डेफिनेटली करेंगे. आज जुन प्रकारले दार्जिलिङ पुलिस द्वारा दार्जिलिङ एसपी द्वारा जुन प्रकारले एउटा सेमिनारको आयोजना भानुभवनमा गरेको थियो भने आज एउटा कस्तो भन्दाखेरि यो पहिलोचोटि आज एउटा सेमिनार गरिरहेको छ. यो सेमिनार चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि आउँदो जुन चाहिँ पढेका लेखेका विद्यार्थीहरू जति पनि छन् जसले एचएस पास गरेका छन् जसले ग्रेजुएसन गरेका छन् त्यसै घरमा बसिरहेका छन् भने आज उहाँहरूलाई नै एउटा मनोबल बढाउनको लागि पुलिस भर्तीमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा सेमिनार गरेको थियो भने आज त्यसरी नै सेमिनारमा जसले भाग लिएको थिए उहाँ बहिनी पनि हामीसित हुनुहुन्छ र उहाँसित पनि केही सोध्न चाहन्छु. र तपाईँलाई हाम्रो च्यानलमा एकदम स्वागत छ. तपाईँको नाम? मेरो नाम दुर्गा विश्वकर्मा. अच्छा दुर्गाजी, आज जुन चाहिँ सेमिनारमा बस्नुभयो है, जुन
प्रकारले आज जति पनि पुलिसको वरिष्ठ व्यक्तिहरू थियो उहाँहरूले एउटा सेमिनार गरेर यो जुन भर्ती विषय लिएर त्यो भन्नु तपाईँलाई कस्तो किसिमको लाग्यो? मलाई चाहिँ आज अब सरले सबै जे अब हामीलाई अस्ति सबै कन्फ्युज भइरहेको थियो है, अब हामी अब पुलिसको भर्ती आउँथ्यो, रिक्रुटमेन्ट आउँथ्यो, अब हामीले इक्जामको लागि रेडी प्रिपरेसन गर्थ्यो, तर हामीलाई केही थाहा थिएन अब कसरी दिनुपर्ने, ला इक्जाममा अब के आउँछ हुन्छ नि, अब कति मार्क्सहरू डिटेक्ट गरे त्यस्तो केही थाहा थिएन। तर आज जस्तो सरले यहाँ दार्जिलिङमा फर्स्ट टाइम एउटा सेमिनार राख्नुभयो है, अब जसरी यहाँनिर हामीलाई सबै सरले अब यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ सबै हामीलाई चाहिँ अहिले डल्लै क्लियर गराइदिनु भयो क्या। इक्जाममा बस्दाखेरि अब कसरी अब इक्जाम आउँछ, कति अब मार्क्सको इक्जाम आउँछ, डिडक्सनहरू, सिलेबसहरू सबै दिनुभयो, अब त्यसको चाहिँ एकदमै मलाई खुसी लाग्यो। फर्स्ट टाइम सरहरूले आएर अब यहाँनिर फर्स्ट टाइम त भएको दार्जिलिङमा यस्तो सेमिनार, अब सरले फेरि यहाँ फर्दरमा पनि अझै हामीलाई उयोहरू दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ, अझै हेल्प गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ है। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्दरमा हामीले इक्जाम बस्यो भने त्यसमा चाहिँ हामीलाई केही प्रब्लम हुँदैन। सरहरूले अब कतिजनाको सरहरूको एक्सपिरियन्स पनि भन्नुभयो सरहरूले अब है, अब सरहरूले कसरी इक्जाम पास गर्नुभयो, अब सरहरूको त्यो कतिवटा हामीलाई डल्लै टिप्सहरू पनि दिनुभयो, इक्जाममा सरहरूको कस्तो प्रकारले क्वेसन्स आउँथ्यो, कस्तो प्रकारले अब सरहरूले इक्जाम गर्नुभयो त्यो सबै दिनुभयो। त्यसले चाहिँ मलाई पुरा खुसी लाग्यो, हामीलाई पुरा हेल्पफुल भयो। र तपाईँले एउटा क्वेसन उठाउनु भएको थियो नि यसरी साहबलाई, जुन चाहिँ भर्ती चाहिँ पहिला दार्जिलिङ डालीमा हुन्थ्यो यो किन छैन भन्ने है, त्यो क्वेसन हामीले पनि उठाउँदा एसपी साहबले एउटा के गर्नुभएको छ भन्दा चाहिँ हाई अथोरिटीसित कुरा गरेर सायद भयो सम्भव भयो भने दार्जिलिङमा नै यो भर्ती पनि अब सुरु गर्ने भन्ने जस्तो, त्यसमा के भन्नुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ अब मैले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो हिल्सको पहिला त अब डालीमा हुन्थ्यो अरे, अब यस्तो सुन्दाखेरि है इक्जामहरू पनि भयो, अब तपाईँको भर्तीहरू सबै दार्जिलिङमा हुन्थ्यो अरे भन्थ्यो सबैजना यहाँबाट जान्थ्यो, तर अहिले चाहिँ के भएको छ सबै प्लेन्समै हुन्छ क्या, अब इक्जाम भयो भर्ती भयो सबै रिसेन्टली मसँग पनि भयो, मैले इक्जाम अहिले वेस्ट बेङ्गल पुलिसको यो रिक्रुटमेन्टमा मैले मतलब के भन्छ त्यसलाई भरेको थिएँ है, इक्जामको लागि भरेको थिएँ, तर मेरो रायगञ्जमा पऱ्यो, सिलगढीदेखिको पनि 2 घन्टा टाढो परेको थियो, अब म दार्जिलिङमा बस्दै थिएँ, दार्जिलिङबाट त अब सिलगढी त कति पनि लाग्दैन, तर सिलगढीमा पनि मेरो अब 2 आवर्स लाग्थ्यो जानु, त्यसले गर्दा मैले इक्जामै दिनु पाइनँ, त्यो अपर्च्युनिटी नै मिस गरेँ मैले है। अब अहिले चाहिँ के सोच्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यो डालीमा भएको भए चाहिँ म सायद जानु सक्थेँ होला इक्जाम, अब डालीमै मात्रै पनि होइन दार्जिलिङको यहाँकै छेउछेउमा या फेरि यहीँतिर भएको भए पनि अब मैले इक्जाम राम्रोसँगले दिनु पाउँथ्यो होला, तर दिनु पाइनँ। अब सरलाई मैले डिस्पे सरलाई अब क्वेसन त उठाएको छु है, अब यो हिल्समा चाहिँ किन नभएको भनेर, अब सरले अब ठुलो अथोरिटीसँग कुरो गरेर यो कुरा सल्भ गर्छु भनेर भन्नुभएको छ, अब म चाहिँ चाहन्छु सरले गरिदिनुहोस् भनेर। हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि सबै दार्जिलिङको जति पनि दिदी बहिनी भाइ उनीहरूलाई अलिकति पनि सजिलो हुन्छ फ्युचरमा अब भन्नु।